स्वागत है। अभी हम लोग हैं दिल्ली के सीपी एरिया के अंदर और हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश जी हैं जो बहुजन समाज की अधिकतर बात करते हैं। सत्य प्रकाश जी, पहले आपका तमाम बहुजन चैनल में स्वागत है। थैंक यू अंजय भी। सत्य प्रकाश जी, आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट्स करते हैं, लेकिन अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाई भतीजे की राजनीति करी है, पूरा देश के अंदर परिवर्तन अजीब सा माहौल बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस परिवर्तन की और किस माहौल की बात कर रहे हैं कि बहन जी ने जब अपने आकाश आनंद को सतीश को अगर राष्ट्रीय टीम में रखा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि किस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग जो इस मुद्दे को उठाते हैं कि इसमें अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर आज परिवारवाद आ गया है, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो बहुजन विचारधारा को नहीं जानते। वो जो RSS ने जो उन्हें शगुफा छोड़ा, उस शगुफे को छोड़कर वो आगे बोल देते हैं और उसके कारण हम विचलित हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, कि आज बहुजन समाज के अंदर भी परिवारवाद की राजनीति आ चुकी है। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं जब ये भूल जाते हैं, सुरेंद्र जी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र को मिशन मूवमेंट के लिए आगे बढ़ाने का काम नहीं किया था? कौन थे राहुल? शुद्धोदन के जो लड़के थे, वो जो सिद्धार्थ थे वो गौतम नहीं थे। शुद्धोदन ने भी सिद्धार्थ को आगे बढ़ाया और सिद्धार्थ जब गौतम बनने के बाद उन्होंने राहुल को आगे बढ़ाया, तो क्या ये परिवारवाद नहीं था? क्या परिवारवाद की अगर बात होती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों अपने सभी पुत्रों को पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि ये मिशन है, वो मूवमेंट है, वो आगे बढ़े। यहाँ परिवारवाद और विश्वास में अंतर है। अगर मुझे अपने भाई पे विश्वास है तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा, अगर मुझे अपने बेटे पे विश्वास है तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा, अगर मुझे अपने भतीजे पे विश्वास है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे एक व्यक्ति आलोचक ऐसा बता दो जिसने अपने बाप का पैसा ना खाया हो, जिसने अपने परिवार का पैसा ना खाया हो। मुझे जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं और जो परिवारवाद की बात करते हैं, मुझे राजनीतिक इतिहास का एक पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर ऐसी बता दो जिसके अंदर की परिवार का कोई सदस्य ना हो। अगर राजनीति की जो जरूरत है, राजनीति की जरूरत है कि लोगों को जोड़ना, अगर क्या मेरे परिवार का अगर कोई सदस्य इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो आगे तत्पर होता है, तो क्या मुझे उसे धक्का दे देना चाहिए? ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं अपने मिशन के बाद एक महिला जिसने पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी, जिसने संघर्षों से लड़ते हुए गुजार दी, वो जो 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 वॉशरूम भी जाती थी तो उसे 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता था, उसके आप संघर्ष को और त्याग को नहीं देखोगे। लेकिन अगर आज वो किसी पर विश्वास करती है और उसे प्रमोट करती है, अगर वो किसी जाटों को प्रमोट करेगी तो आप कहोगे कि जाटों की राजनीति कर रही है, अगर वो भाई को प्रमोट करेगी तो आप कहोगे भाई की राजनीति कर रही है, अगर वो भतीजे को प्रमोट करेंगी तो भतीजे की राजनीति कर रही है, किसी बिजनेसमैन को प्रमोट करेंगी तो बिजनेसमैन की राजनीति कर रही है, किसी ब्राह्मण को प्रमोट करेंगी तो ब्राह्मण की राजनीति कर रही है, मिश्रा जी को प्रमोट करेंगे तो मिश्रा की राजनीति कर रही है। कहाँ तक आप जवाब दोगे, किन बातों का जवाब दोगे? क्या परिवारवाद की परिभाषा यही है कि भारत के अंदर परिवारवाद का विगुल बजाने वाली और बीज बोने वाली एक बात बहन कुमारी मायावती है क्या? आज तमाम पार्टियां पूछने की जमीनी कार्यकर्ता नहीं है वो लोग, उनको आपने सत्ता में अपने सिर्फ पैसे को बचाने के लिए उनका नाम लिया है, उसके ऊपर क्या बोल? देखिए, मुझे नहीं पता कि जमीनी कार्यकर्ता कौन बोल रहा है, जमीनी कार्यकर्ता कौन बोल रहा है। अगर हम 0 से 10 पे अगर यूपी में आ रहे हैं तो ये जमीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत है। जब इस वक्त पूरे जब दिल्ली जैसे एरिया में जब 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है तो कांग्रेस और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है, तो क्या उनके कार्यकर्ताओं की हार थी? आज जब यूपी के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, जो 1883 में पार्टी बनी और हम पिछली बार तक 0 पे थे और हम 10 पे आए हैं, तो क्या ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है? नहीं टूटा। ये कार्यकर्ता पहले से और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गुलामत की खिलाफत की राजनीति करते हैं, उन्हें लगता है कि परिवारवाद है। कार्यकर्ता कौन मजबूत नहीं है? आज अगर हम नेशनल राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो क्या उसमें आपको सतीश जी और सिर्फ आकाश आनंद नजर आ रहे हैं? क्या उसमें क्या मीडिया ने आपको ये दिखाया कि हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राज्य कार्यकारिणी में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष वो सारी टीम बनी? क्या उनका आपने नाम देखा? आप उनका नाम नहीं देखोगे, क्योंकि जो मेन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नकारात्मक राजनीति करती है और उस नकारात्मक राजनीति के कारण कुछ लोग अपने लोभ लुभावने हित के कारण आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और पैसे की जहाँ तक बात है, उनका पैसा वो विश्व के अंदर अगर सबसे महंगा लोकतंत्र का अगर कोई इलेक्शन हुआ है तो ये 17वीं लोकसभा का 2019 का इलेक्शन है। आप अगर फेयर राजनीति की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने कितने पैसे खर्च किए और कांग्रेस और बीजेपी ने कितने पैसे खर्च किए, आप इसका आंकड़ा सामने क्यों नहीं लाते? लेकिन जैसे ही आंकड़ा सामने आएगा आपको पता लगेगा कि जो गरीब लोग हैं, जो साहब काशीराम का जो सिद्धांत है एक वोट और एक नोट, हम एक नोट एक वोट वाले लोग हैं, हम 10 रुपये पार्टी को देते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा हिसाब मांगने का अधिकार है। और मैं कहता हूँ कि मैं आज तक बहन जी से नहीं मिला, लेकिन मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे राष्ट्रीय टीम में नहीं जाना, लेकिन बहन जी का आदेश, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे अपने जो मेरे साथ जुड़ना चाह रहा है मैं उसे कैसे तोड़ दूं? मैं नहीं तोड़ सकता। कार्यकर्ता वो है जिसने निसंदेह मिशन के प्रति काम किया है और आज बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मुझे पार्टी के अंदर का आप जो भी व्यक्ति आलोचक हैं, कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत हित है।
तो इस वजह से वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं बहन जी पे कि उन्होंने अपने भाई भतीजावाद और परिवारवाद को दिया है भाई भतीजा। और दूसरी बात, बहन जी इस पार्टी की आज मुखिया हैं, बहन कुमारी मायावती इस पार्टी की मुखिया है, बहुत समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा 5000 साल का इतिहास है उस इतिहास के अंदर वही सक्षम होगा जिसके अंदर मिशन को समझने की शक्ति होगी, जिसमें मिशन को आगे ले जाने की शक्ति होगी। आज आकाश आनंद और सतीश जी हमारे बहुजन समाज के रहनुमाई करने वाले नहीं बने हैं, लेकिन अगर उनमें काबिलियत होगी तो वो ज़रूर बनेंगे, और अगर काबिलियत नहीं होगी तो यही बहुजन समाज उन्हें अपना रहनुमाई नहीं देगा। आज जितनी तमाम बहुजन समाज की जनता है वो बहन जी को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप जनता के लिए? और बहन जी ने कोई जल्दबाजी में फैसला लिया है उसके ऊपर क्या बोलेंगे? बहन जी ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जी। आपको हमें लगता है कि बहन जी ने सोल डिक्टेटरशिप में आके फैसला लिया है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें सभी राज्य के जो प्रतिनिधित्व हैं वो मौजूद होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद होते हैं। एक बात बताइए, हम दूसरे लोगों को प्रमोट करते हैं, और अगर हमने अपने लोगों को प्रमोट कर दिया तो उसमें क्या कमी है जी? ठीक है, हमें आप जरूरी नहीं है कि हमने स्वामी प्रसाद बोरिया को भी आगे बढ़ाया था, हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन और बाबू सिंह कुशवाहा को भी आगे बढ़ाया था, दद्दू प्रसाद को भी आगे बढ़ाया था। आपने कभी इन लोगों के बारे में ये नहीं पूछा कि ये पार्टी का कितना नुकसान करके बाहर गए? हमने विश्वास तो उन पर ही किया था, हमने विश्वास एकमात्र आनंद साहब पे ही और आकाश आनंद पे ही थोड़ी किया है, विश्वास तो हमने किस पे नहीं किया? ओबीसी समाज पे हमने किया है, दलित समाज पे हमने किया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को हमने किया, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है ब्राह्मण समाज को हमने दिया है, बनिया समाज पे हमने किया है। क्या ये दो ही अपवाद हैं जिनको हम लाए हैं? पिछली बार जब हम लाए थे इनको, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जयप्रकाश जी, इन पर भी तो विश्वास किया था। आपने तमाम बात करी सत्यप्रकाश जी, आप बहुजन की बात करते हैं, बहुजन को रिप्रेजेंट्स करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा। माननीय श्री काशीराम साहब ने साइकिल से पूरे देश को जोड़ दिया था, लेकिन आज लग्जरी कारों में होने के बावजूद भी पूरा देश एकजुट नहीं हो पा रहा है, उसका क्या विशेष कारण है? देखिए, हमारे मिशन मूवमेंट के लिए लग्जरी आइटम कुछ नहीं चाहिए जी। अगर आप सोचते हो कि आप अपनी लड़ाई व्हाट्सएप और फेसबुक से लड़ लोगे, वो लड़ाई नहीं है। साहब काशीराम जी के समय पर जब हमारी लोकसभा के इलेक्शन लड़े जाते थे तो हर लोकसभा में 2-2 किलो नील बांट दिया जाता था, और लोग रातों को उठ उठ कर हाथी बनाते थे, वो विचारधारा फैलाने की बात थी। समय के साथ परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हमारे तय होते हैं कि हमारे चलने के सिद्धांत क्या होंगे। जिसे आप लग्जरी गाड़ी की बात कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आज भी हम अगर बुग्गी पे बैठ के या बैलगाड़ी पे बैठ के अगर हम बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। लग्जरी गाड़ियां, मुझे ये बताइए कि हमारा सवाल लग्जरी गाड़ियों का नहीं है, इनकी जो सामने वाले की नियत है वो एक खटकती है कि ये लोग आज भी फटे हुए कपड़े में आए, ये आज भी लोग घुटने पे आए, ये लोग आज भी गिड़गिड़ाएं, ये लग्जरी गाड़ियां नहीं है। लग्जरी गाड़ियों का मैं नाम बताऊं, लग्जरी गाड़ियां होती है रोल्स रॉयस। क्या है हमारे बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के पास? लेकिन अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करोगे तो वहाँ आपको रोल्स रॉयस भी मिलेंगी, डुकाती मिलेंगी, फरारी मिलेंगी। मुझे आप एक बता दो, बहुजन समाज पार्टी के किस नेता के पास डुकाती है, फरारी है या रोल्स रॉयस है? तब मैं बात करूंगा कि ठीक है, ये जो रोल्स रॉयस में लोग घूम रहे हैं इन्हें भगाओ पार्टी से, मिशन से। ये मिनिमम नीड्स है, मिनिमम नीड्स। अगर आप ये कहो कि मैं बिना हथियारों के, बिना कैमरे के, बिना माइक के मैं इस दुनिया के अंदर क्रांति ले आऊँगा, तो नहीं ले पाऊंगा। अगर आप ये कहोगे कि पहले बड़े वाला कैमरा होता था, उस कैमरे से हम वीडियो रील बनाते थे और आज मोबाइल से वीडियो रील बना रहे हैं, तो मैं इनको आपको लग्जरी कहूंगा। क्योंकि हर फील्ड की अपनी एक बदलाव होता है, और बदलाव के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है। अगर मुझे एक मीटिंग लेने दिल्ली से हैदराबाद जाना होगा तो मैं वहां गाड़ी बैलगाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा हवाई जहाज से ही। और उसे अगर आप ये कहते हो कि ये जो दलितों की महारानी है ये हवाई जहाज से घूमती है, तो ये आपकी सोच का दोष है, मेरी सोच का नहीं। क्योंकि मुझे बताएं मेरी लड़ाई कैसे लड़नी है और सामने वाले से कैसे लड़नी है। आपको लगता है बसपा सुप्रीमो जो लड़ाई लड़ रही है वो बिल्कुल सही तरीके से लड़ रही है, और जो तमाम जनता जो अपनी नज़रों से उनको देख रही है एक डिफरेंट ऑफ दृष्टिकोण से, उसके लिए क्या बोलेंगे आप तमाम जनता को भी? सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। मेरी मंजिल आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। हमारी जो लड़ाई है वो बिना पैसे की लड़ाई है, हमारे पास कोई पूंजीपति नहीं है जो 9000 करोड़ रुपए लेके भाग जाए और 5000 करोड़ रुपए हमें इलेक्शन लड़ने के लिए दे दें। हमारे पास 50 रुपए वाले लोग हैं, 100 रुपए वाले लोग हैं जो हमें पर्चियां कटवाते हैं और जिससे हमारी पार्टी चलती है। बहन जी की जो संघर्ष है, उस संघर्ष को देखिए आप, बहन जी के संघर्ष को। बहन जी का हर डिसीजन का मैं आंख मीच के समर्थन करता हूं, और अगर कोई ये कहता है कि बहन जी का ये निर्णय गलत है, तो पहले मुझे भारत की एकमात्र कोई ऐसी पार्टी बता दे जिसके अंदर ये चीजें ना हुई हों, ठीक है? लेकिन हम अगर करें तो वो बुराई है, हम करें तो रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। बहन जी का हर निर्णय बिल्कुल सही है, सोच समझ के लिया गया निर्णय है, पार्टी के पदाधिकारियों से पूछ कर समझ कर लिया गया निर्णय है, और यह बिल्कुल सही डिसीजन है। क्योंकि एक बात बताइए, हमारे जो लोग बहन जी पे आरोप लगाते हैं उनमें से एक व्यक्ति तो कांग्रेस में रहता है, एक बीजेपी में रहता है, और एक तीसरी पार्टी में रहता है। कम से कम आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि बहन जी का पूरा परिवार आज बहुजन समाज पार्टी में है।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपने हमारे चैनलों से बात करी। थैंक यू जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।